सो गाइस अगर आपको फ्री फायर स्टोरीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इंडिया की नंबर 1 स्टोरीज देखने के लिए आपको यहीं पे मिलेगी एंड 2 मिलियन के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो प्लीज जल्दी से कराओ गाइस। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी पे भरोसा नहीं करने का। लेकिन एक बात याद रखना पापा, मैं सबको मार दूंगा, इन सब की वाट लगा दूंगा पूरे तरीके से। अरे इब्राहिम भाई, जाने दो उनको, कहां तक जाएंगे, आखिरकार रहना परगेटरी में ही है, उनको बताते हैं कल, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उनको हम। लेजेंड सही कहा, जाएगा तो भाग के कहां जाएगा। आ गया है परगेटरी का शेर, शेर खां। अब होगा तांडव परगेटरी में, मैं मचाऊंगा तांडव। परगेटरी में बहुत सारे गुंडे घूम रहे हैं, अब उनको मैं बताता हूँ असली गुंडा कौन है। लेजेंड और इब्राहिम ने हम पे मिलके हमला किया और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, अब मैं सबका बदला लूंगा। अब आ चुकी है प्लानिंग की बारी। कैसे मारे, क्या प्लानिंग है इस बार? हम 4 लोग हैं, उनका लोकेशन ट्रेस करेंगे और सीधा चारों तरफ से अटैक करेंगे, फिर देखते हैं कितना दम है उनके पिछवाड़े में कि हमें रोक सके। लेकिन उससे पहले लोकेशन ट्रेस करना होगा, इसके लिए मुझे कॉल करना होगा ट्रेसर को। रुको मैं कॉल करता हूँ। अरे ये लेजेंड का कॉल क्यों आ गया, लेजेंड मुझे कॉल कर रहा है, रुको इससे बात करता हूँ। हाँ बोल बे लेजेंड, कॉल क्यों किया है? अबे बोल रहा हूँ, असली माँ का दूध पिया तो वहीं रुक जा, तेरा लोकेशन ट्रेस कर लिया है हमने, वहीं आ रहे हैं हम। अरे रे, अब तो लग रहा है जितना जल्दी मुझे तुझे मारने की, उससे ज्यादा जल्दी तुझे मुझसे मरने की है। एक काम कर, अगर तूने माँ का दूध पिया है ना, तो आ जाइयो दिखाएंगे तुझे औकात। आ रहे हैं हम। ये क्या, लेजेंड तो हम पे हमला करने आ रहा है। चिंता ना करो लिली, अगर यहाँ आया ना लेजेंड तो लेजेंड मरेगा। चलो जल्दी से एक काम करो, गन्स उठा लो सारे, उसके बाद मैं प्लान्स बताता हूँ। वो सोचेंगे कि हम डर के छुप के कहीं बैठेंगे, लेकिन नहीं, हम पूरे हथियार के साथ चारों तरफ फैल जाएंगे और जैसे ही वो आएंगे उनकी गाड़ियों के साथ उनकी मौत तय होगी। बेटे जो भी करना है जल्दी कर, क्योंकि वो आ रहे होंगे, तुझे उसने कब का कॉल किया है। हाँ पापा बिल्कुल सही कहा, ये बात का टाइम नहीं अंजाम का टाइम है, लेट्स गो। पापा रेडी तो हो ना? हाँ बेटा एकदम कंटाप रेडी है हम तो। और लिली तुम रेडी हो ना? हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ। लेजेंड और इब्राहिम का आज स्वागत तो करेंगे, लेकिन अपने अंदाज में। लेट्स गो। सैम जल्दी से आगे आ जाओ, वो लोग आ रहे हैं। चलो गाइस धीरे धीरे करके आगे आ जाओ, वो लोग अटैक करने आ रहे हैं। आ ही गए गाइस, फायरिंग करो, स्टार्ट। अरे तुम सब में से किसी को इब्राहिम या लेजेंड दिखा? मुझे तो एक बार भी नहीं दिखा वो लोग। बेटा मुझे लगता है वो लोग बहुत तेज साले, पहले गुंडों को भेजा ताकि वो चेक करे कि हमारी तैयारी कैसी है, अब शायद वो लास्ट में आएंगे। वो नहीं आएंगे पापा, क्योंकि उनके सारे गुंडे मर चुके हैं, अगर एक भी गुंडा रहता ना तो शायद वो आते। अब हम कैसे मारेंगे इब्राहिम और लेजेंड को? कोई बात नहीं लिली, बच के जाएंगे साले कहां, अगला हमला हमारी ओर से होगा। अरे बेटा सामने से लेजेंड और इब्राहिम आ रहा है, मारो इन्हें, बच के जाने ना पास साले, मार दो गाइस। ए अनपढ़ सैम, लिली और उसका बाप चुपचाप से गन छोड़ दे वरना मैं मार दूंगा सीधा। मकसूर तू? मकसूर तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार, तुझे तो अपना भाई समझा था मैंने। अबे साले गवार, कभी गीता पढ़ा है? वहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा था अपना शरीर अपना नहीं होता साला, मैं तेरा अपना हूँगा। देख लीजिए पापा अपने राइट हैंड को कैसा सिला दिया इसने। साले सबके सब गिरगिट है, मौके पे रंग बदल देते हैं। आज के वीडियो में बोलती पब्लिक मजा आया हमारे वार को देख के? अबे चल पे लेजेंड, तू बस एक ही चीज पे जिंदा है, वो है धोखेबाजी। कभी खुद धोखेबाजी करेगा, कभी इस मकसूर से धोखेबाजी करवा दिया, यकीन नहीं हो रहा। अबे साले कर ले यकीन, क्योंकि इब्राहिम तुम्हारे इलाके में तुझे मारने आ चुका है। हाँ तो सैम भैया, मकसूर की तरफ से कहा जाता है कि चलो गाड़ी में बैठो, अभी आपकी बारी है मरने की। इब्राहिम तूने ऐसा क्यों किया यार, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी मेरे भाई। अच्छा एक बात बता, ये फालतू का ड्रामा कब बंद करेगा? मेरा मूड सेट का तो उतर के तीनों को गोली मार दूंगा, स्वर्ग के लिए चले जाओगे, अच्छा लगेगा? बेटा तुझे भी देख लूंगा मैं।
तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप खड़ा है शेर खान, रोको बे रोको। अबे टिकटॉकर कहां से आ गया, रुक जा देख के आता हूँ तुरंत। अबे साले पुलिस वाले, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मेरा नाम इब्राहिम है, जाने दे हमें वरना तेरी मौत तय हो जाएगी। अबे जानता हूँ, तब तो यहाँ आया हूँ तुम सालों का सफाया करने, पूरी तरह सफाया कर दूंगा वासिंग पाउडर निर्मा की तरह। अरे लिली ये तो सच में टिकटॉकर निकला। हाँ वही तो, ये साला क्या बकबक कर रहा है। अबे तू जानता नहीं है मेरा नाम लेजेंड है, बहुत क्राइम किया है बेटा, आज तेरी भी मौत तय हो जाएगी। अबे चल बे, मैं ज्यादा घुमा फिरा का बात नहीं करता, चलो सीधा पॉइंट पर आता हूँ। इस शहर में गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है बेटो, इसका सफाया कौन करेगा? तुम सबका सफाया शेर खान करेगा, शेर खान। अबे लेजेंड और इब्राहिम एक काम करियो, इन गन से तबला बजाइयो ठीक है? और तुम चूतिये हो क्या बे? अबे शेर खान जब मैं आया था ना इस शहर में, सबसे पहले 5-6 पुलिस वाले को ठोक कर ही आया था, समझा क्या? तू क्या सोचता है तू हमें भी ठोक देगा? जी हाँ, कितने बड़े हरामी है तुझे अब पता चलेगा ले साले। अबे लेजेंड और इब्राहिम घंटा तुम लोग टोनो बे, ले अब तेरी बारी है साले, तू हमें नहीं मार सकता, यही मौका है भागने का। पापा जल्दी आओ, लिली जल्दी गाड़ी में बैठो, पापा जल्दी आइए। साले वो लोग बच के भाग गए, मकसूर तूने फेंका था क्या फ्लैश बैंग? नहीं लेजेंड, मैं तो तुम्हारे साइड हूँ, मैं क्यों फेंकूंगा? साले अगली बार हाथ आएंगे तो बच के नहीं जाएंगे, देखना। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बार हम लोग अड्डा जमाएंगे उसी के घर पे, अब हम वही रहेंगे, सालों को पता भी नहीं चलेगा और उनकी वाट भी लगा देंगे। हाँ सैम, पक्की खबर बता रहा हूँ, वो लोग तुम्हारे ही घर में रहने जा रहे हैं, एकदम जाके ठोक दियो सालों को। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मकसूर, ऐसे ही हमारे लिए काम करता रहे। तो बेटा इसका मतलब मकसूर ने हमें धोखा नहीं दिया है, बल्कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। और नहीं तो क्या, वो फ्लैशबैंग किसने फेंका था? और प्लानिंग तो ये था कि हम लोग वहाँ जाएंगे और धोखे से मकसूर उन्हें पकड़ लेगा और हम सब उनको मार के आ जाएंगे, लेकिन नहीं, अब हमें प्लान चेंज करना पड़ेगा। क्या प्लान रहेगा सैम? ये प्लान बनाने का नहीं, प्लान अंजाम देने का टाइम है। मैं यूज करूंगा स्नाइपर एंड इलेक्ट्रिक शॉटगन, चलो मेरे साथ। मकसूर आएगा क्या बेटा? हाँ मकसूर भी आ रहा है। जल्दी से आ जाओ, मेरे सारे गन्स में साइलेंसर लगा हुआ है, उन्हें पता तक नहीं चलेगा, बस तुम कहीं पता मत चलवा देना। अब मेरे पीछे आओ, हम सामने से नहीं जा सकते, गुंडे खड़े हैं सामने। सैम भैया बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, कैरी ऑन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लेजेंड इब्राहिम सब ऊपर बैठे, किसी को कानो कान खबर तक नहीं है कि हम उन पर अटैक कर चुके हैं, लेट्स गो। अरे ये लोग कहां से आ गए, जल्दी भागो इधर से, हमारे गुंडे किधर गए? अरे ये लोग भाग रहे हैं, इनको जल्दी से पकड़ना होगा, आ जाओ मेरे पीछे तुम लोग जल्दी से। अब तो तुम्हारी गाड़ी फंस गई, जाएगा कहाँ तू बच के अब? मकसूर ये तू क्या कर रहा है, तू हम पे गोली क्यों तान रहा है उसकी पे तालने की बजाय? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मकसूर हमारे साथ ही है, उस दिन उसने ही फेंका था फ्लैश बैंग और तुम्हारा लोकेशन भी उसी ने बताया था। साले मकसूर तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तूने भी तो यही करा था लेजेंड, जिस थाली में खाया था उसी में छेद कर दिया था। लेकिन अब ये फालतू बात में टाइम वेस्ट करने का नहीं, अब सीधा कार्यक्रम शुरू करने का। तो इब्राहिम बाय बाय, आज तेरा ये अंतिम दिन है। मकसूर तू लेजेंड का ध्यान रख, मैं इससे निपटता हूँ।
और साले तू आज उसके पैरों के नीचे खड़ा है ना जो तेरा असली बाप है। मुझे जाने दो। आज तो ये लेजेंड भी आके कहेगा तो नहीं जाने दूंगा। तुम दोनों ने बहुत तड़पाया है सालो, अब दोनों की मरने की बारी है। लेजेंड अब तेरा क्या होगा तू ये सोच। लिली मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दो। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, यहाँ तक कि सैम भी जिंदा है तू भी जिंदा हो। अबे ये क्या बोल रहा है तू। सैम भैया भले ही मैं भटक गया था लेकिन आज तक आपका नुकसान नहीं कराया। सैम भैया आप भी जिंदा और लिली भी, मैंने तो वैसे भी आपका बहुत मदद किया है लिली को ढूंढने में। लिली मैम, लिली इसकी भोली बातों पे मत जाना। क्या हम इसे एक मौका दे सकते हैं? वैसे भी हम भी जिंदा है तुम भी सैम। लिली लेकिन सैम तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें। लिली इसकी बातों में मत आओ, ये साला गिरगिट है। पापा एक सेकंड आप मुझसे बात करने आओ। पापा लेजेंड तो चाल चल रहा है, मैं कैसे बताऊं लिली को कि मैं समर हूँ। सैम को लेजेंड नहीं मारा है। बेटा हम ऐसे दिक्कत में फंसे हैं कि यहाँ से हम बाहर निकल भी नहीं सकते। यह नसीब भी बड़ी खराब चीज है बेटा। पापा कुछ भी हो जाए मैं सैम यानी मेरे भाई का बदला जरूर लूंगा। तो गाइस कैसे बताएगा लिली को समर कि मैं सैम नहीं हूँ? इसे लिली पे क्या असर पड़ेगा और लेजेंड को कैसे मारेगा ये देखने के लिए अगर आपको पार्ट 4 चाहिए देन कमेंट करके बताओ कि पार्ट 4 आपको चाहिए। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पार्ट 4 की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइज इंस्टाग्राम पे भी प्यार दिखाना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 10K फॉलोअर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है, प्लीज गाइज सपोर्ट दिखाओ, जाके फॉलो करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक बार फ्री डायमंड पास को जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।